हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी नए हैं उनके लिए दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। तो आप लोगों ने इंटरनेट पर कुछ इस तरीके की फोटोज हमेशा अपने वायरल होते हुए देखी होगी, जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें देखने को हमें मिल जा रही होती हैं। अगर इन फोटोज के बारे में देखेंगे और अगर थोड़ी इसके बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठी करेंगे तो ये बेसिकली ट्राइबल पीपल होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो समाज से, हमारी सोसाइटी से आइसोलेट होकर के रहते हैं, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट के प्रति या फिर कह लीजिए जमीन के प्रति, फील्ड के प्रति अपनी काफी ज्यादा क्लोजनेस रखते हैं। ये लोग पहाड़ी लोग होते हैं या फिर कह सकते हैं दे आर बेसिकली माउंटेनियस पीपल, जो कि बेसिकली फॉरेस्ट और उससे रिलेटेड प्रोड्यूस पे ही अपनी पूरी लाइफ डिपेंडेंट कर लेते हैं। लेकिन इस पॉपुलेशन में भी अगर बात किया जाए, जिसमें कि नियरली 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये हमारी शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप में आ जा रही होती है, विद इन दिस 8.6% भी हमारे पास कुछ ऐसे ट्राइब होते हैं जो काफी ज्यादा पिछड़े हैं, काफी बैकवर्ड हैं। और इस तरीके से ट्राइबल पीपल में भी हमें काफी ज्यादा कैटेगराइजेशन देखने को मिल जा रहा होता है, जिसके कारण से कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो काफी ज्यादा डेवलप्ड और असर्टिव ट्राइबल्स हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बैकवर्ड रह जाते हैं। और इसी बैकवर्ड लोगों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इन बैकवर्ड लोगों को काफी ज्यादा इंटरनेट पे वायरल किया जाता है, इनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उसको दिखा करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश की जा रही होती है। इन लोगों को बोला जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और यही हमारे आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की अगर बात करें तो इनकी स्टार्ट होती है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से, जहां पर इनको कुछ पैरामीटर के बेसिस पे डिफाइन किया गया था। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनको पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना जाता था, क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द पर्पस ऑफ इनेबलिंग इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज विद पर्टिकुलरली लो डेवलपमेंट इंडिसेस, एंड बेस्ड ऑन दैट यहां पर एक कम्युनिटी बनाई गई, जिसके कारण से मतलब हम लोग कुछ ऐसे पैरामीटर्स बना सके जिसके बेसिस पे हम लोग ये बोल सके कि हाँ, दिस कम्युनिटी इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल कम्युनिटी। इसमें कुछ कम्युनिटी जो डिसाइड की गई थी, वो डिसाइड की गई थी धेबार कमीशन के द्वारा। ये धेबार कमीशन 1960 टू 61 के बीच में एस्टैब्लिश की गई थी, एंड इट स्टेटेड दैट विद इन शेड्यूल्ड ट्राइब देयर एग्जिस्ट एन इनइक्वालिटी इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फोर्थ फाइव ईयर प्लान। A subcategory was created within scheduled tribe to identify groups that considered to be at a lower level of development. The sixth category was named as primitive tribal group. तो ये primitive tribal group के नाम से जाना जाने लगा। Government ने काफी कुछ काम किया इनके लिए और लगातार इनके लिए नए नए लोगों को identify करके इस group में डाल करके इनके better protection और empowerment की कोशिश की। The feature of such group include pre-agricultural system of existence, that is practice of hunting and gathering, zero or negative population growth, extremely low level of literacy in comparison with other tribal groups. तो ये कुछ properties हैं इस तरीके के primitive लोगों की, जो particularly vulnerable tribal group के नाम से जाने जाने लगे। आगे क्या होता है कि in 2006 government of India proposed to rename primitive tribal group as primitive and vulnerable tribal group, या इसी को फिर आगे particularly vulnerable tribal group के नाम से जाना जाने लगा। Particularly vulnerable tribal group has since been named primitive and vulnerable tribal group by the government of India, और उसी के basis पे इनका categorization किया जाना शुरू हो गया। In this context, in 1975, government of India initiated to identify the most vulnerable tribal groups as a separate category called PVTG and declared 52 such groups, while in addition in 93 23 groups were added to this category. और इस तरीके से जो total particularly vulnerable tribal group थे उनकी संख्या बढ़ करके 75 हो गई out of 705 scheduled tribal groups.
तो इस शेड्यूल ट्राइबल में से 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगराइजेशन कर दी गई। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें से देखने को मिलेगा कि नियरली 10% ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब उसमें और ज्यादा ही बैकवर्ड हो जाती है, जिसको कि हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोल रहे हैं। अगर कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग बात करें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की, तो 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और ये लोग रिसाइड कर रहे होते हैं 18 स्टेट एंड यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी लिस्ट मैं आपको सेपरेट ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, जहां पर 75 ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में 18 स्टेट और यूटी को मिला करके अलग अलग तरीके से कैटेगराइजेशन की गई है, जो लगातार आपके करंट अफेयर्स और न्यूज में बने रहते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा जरावा ट्राइब के बारे में, सेंटिनल्स ट्राइब के बारे में, चेचू ट्राइब के बारे में, तो ये कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कंटिन्यूअसली न्यूज में बने रहते हैं, जो दिखाते हैं कि इनके ऊपर कितना ज्यादा थ्रेट है। और इसी थ्रेट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट लगातार नए नए प्रोग्राम लेकर के आ रही होती है, और इसी बीच में एक नई स्कीम आई गई है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अंडर दिस स्कीम कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट और एनुअल प्लान्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय ईच स्टेट और यूटी फॉर देयर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नीड असेसमेंट। तो यहां पर जो भी जैसे भी लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जैसी है उसी हिसाब से इनको एक अपना प्लान बनाना पड़ेगा, और वो प्लान ऐसा होना चाहिए जो पीवीटीजी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ हो। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन। आज के डिस्कशन में हम लोगों ने बेसिकली पीवीटीजी के बारे में ही फोकस करके पढ़ाई किया। अगर इसके बारे में देखेंगे तो आप पॉलिटी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, जहां पर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में हमें कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के बारे में बता दिया गया है, जिसको कि आप लिंक कर सकते हैं, और ये दिखाता है कि गवर्नमेंट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए कितना ज्यादा फोकस कर रही है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस आप ये भी देख सकते हैं कि 2019 में आपसे यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो काफी डिटेल्ड दिए गए हैं, और इसी वजह से हमें इस डिटेल्ड डिस्कशन की काफी जरूरत पड़ जाती है। तो यहां पर देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर 3 में जब आप देखेंगे, मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 में देखेंगे, तो 95 पीवीटीजी के बारे में बोल रहा है, जो कि गलत हो जा रही होती है। और इस तरीके से 3 ऑप्शन को कट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन सी निकल के आ जाता है, और इसका आंसर भी सी करेक्ट आंसर हो जाता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट अस योर डाउट एट recognitionis@gmail.com। We will try to sort it out as soon as possible. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।